बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। कंप्यूटर का हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप पहले ऐसे करो कि अपनी बुक्स का पेज नंबर 29 ओपन कर लो, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2.2 विच इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताने से पहले आपका जो एक पिछला कॉन्सेप्ट है, जो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता था कि वो सॉफ्टवेयर जिसके बगैर आपका जो सिस्टम था वो वर्क नहीं करता था। इट मींस कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके जो है पीसी को या आपके कंप्यूटर को मैनेज एंड कंट्रोल करता था, ठीक है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आप जो है ना अपनी फैसिलिटी के लिए अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपके कंप्यूटर में अगर आप लोगों ने एम एस वर्ड पे काम किया है, ठीक है, अगर या एम एस पेंट पे काम किया है, अगर आप लोगों के कंप्यूटर में एम एस पेंट मौजूद नहीं है, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर तो चलेगा ना, ठीक है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज ही मौजूद नहीं है, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स के जो विंडोज है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर आपका कंप्यूटर जो है वर्क नहीं कर रहा, लेकिन जो एम एस पेंट है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसके बगैर भी आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क कर सकता है। तो इट मीन्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूजर अपनी फैसिलिटी के लिए इंस्टॉल कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ से रीडिंग कर लेते हैं। Application software is a set of computer program that helps enables user to do a specific work on computer. यानी application software क्या होते हैं, जो help करते हैं user की ताकि वो कोई task perform करे। अब जैसे मैंने MS Paint की example दी, तो MS Paint में हम क्या करते हैं, painting करते हैं ना, ठीक है, हम अपना काम perform करते हैं। Application software help a user to produce documents, create graphics, perform calculations, play games, compose music, play movies and so on. There are vast varieties of application software. Such of them are discussed below. पहला है जी आपके पास entertainment software. Entertainment software are developed to entertain user. Computer games are the most popular type of entertainment software. अब कुछ softwares ऐसे होते हैं जिनको आप use करते हो खुद को entertain करने के लिए। अब जैसे games होती हैं, ठीक है, आप games क्यों play करते हो, खुद को एंटरटेन करने के लिए प्ले करते हो। इसी तरह से आपके पास और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जिनको आप, जैसे आपके पास कोई टीवी प्रोग्राम्स के चैनल्स हो गए, ठीक है, इसके बाद मूवीज वगैरह देखते हो आप, तो खुद को एंटरटेन करने के लिए आप जो है ना जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो वो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। और वो होते कौन से हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। यूजर कैन प्ले क्रिकेट, फ्लाई अ जेट, बैटल विद मॉन्स्टर्स, run favorite music and videos while using this software. यानि आप different actions जो हैं वो इन softwares को use करके perform कर सकते हो। Window media player, real player, EA Sport, Need for Speed, etc. some examples of entertainment software. Need for Speed आपके पास एक game है जो आप लोगों ने play भी की होगी। इसी तरह से और भी बहुत सारी games होती हैं, जैसे Candy Crush हो गई, इसके अलावा टेम्पल रन वगैरह, और भी आपके पास रेसिंग गेम्स होती हैं, ठीक है, तो ये सारी किस में आती हैं, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूजर टू वर्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। सम ऑफ द पॉपुलर टाइप ऑफ प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर आर गिवन बिलो। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। अब जैसे एम एस वर्ड होता है या एम एस पेंट होता है, एम एस पेंट पे आप कोई भी ग्राफिक बनाते हो, इसी तरह से एम एस वर्ड पे आप क्या करते हो, कोई भी अपना जो है ना डॉक्यूमेंट बना रहे होते हो, ठीक है। एम एस वर्ड, वर्ड परफेक्ट एंड नोट पैड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपके पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज टू वर्क विद नंबर एंड फार्मूलाए। आप यानी उसमें नंबर ऐड करते हो, जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चंस करते हो ना, आपके पास नंबर्स होते हैं, आप उन पे फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं, इसी तरह से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपको वहाँ पे डेटा अपना एंटर करते हो, कोई भी नंबर्स, ठीक है, और वहाँ उनके ऊपर फार्मूला आप अप्लाई कर लेते हो, तो आपका काम जो होता है वो ईजिली और एफिशेंटली हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है बच्चों आपके पास ग्राफिक सॉफ्टवेयर, तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर आप क्यों यूज करते हो? ग्राफिक सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर, 3D इमेजेस एंड एनिमेशन. MS Paint एंड Adobe Photoshop आर सम एग्जांपल्स ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर. अब MS Paint की इसने इसमें एग्जांपल ली क्योंकि MS Paint को यूज करके आप ग्राफिक्स ड्रॉ कर रहे होते हो ना, ठीक है, उनमें डिफरेंट कलर्स कर रहे होते हो, तो वो जो MS Paint है वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर आता है. नेक्स्ट है आपके पास मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर यूज टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशन. जैसे जो है ना आपके पास बुक होती है, इसी तरह से जो लेक्चर्स वगैरह बनाए जाते हैं वो MS जो है ना नोट पैड पे या MS पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनाई जाती हैं, ठीक है, और उन स्लाइड्स को प्ले किया जाता है ताकि जो है ना प्रेजेंटेशन बनाई जा सके और उसको प्रेजेंट किया जा सके. यूजर कैन आल्सो इंसर्ट ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स इन हिज आर हर प्रेजेंटेशन. MS PowerPoint and Adobe Flash are some example of multimedia software. यानी इन सॉफ्टवेयर को यूज करके हम अपना क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास एजुकेशनल एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर. एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हेल्प अ यूजर टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल. दिस सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर हेल्प एंड गाइडेंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, साइंस, अरेबिक, ठीक है. आपके पास एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, आप वहाँ पे जाके जैसे सिंपल आजकल आपके पास जो है ना, एक मैं आपको लिंक अगर बताऊँ ई लर्न पंजाब, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप जाएं तो आपके पास डिफरेंट बुक्स पड़ी हुई होती हैं, आप उनको बुक्स वहाँ से ओपन करके सेम इसी तरह से जैसे आप ये प्रिंटेड बुक के ऊपर पढ़ते हो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो. रेफरेंस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अ मल्टीट्यूड टॉपिक्स. Such software contain large amount of data and its example include dictionaries, encyclopedia, maps, software. ठीक है, यानी different आपको कोई भी link open करना है, कुछ भी कोई भी reference चाहिए तो आप just उस चीज का नाम लिखते हैं और आपके पास उसके different links open हो जाते हैं. Exam preparation software are also available for standardized tests such as SAT, GMAT, GRE, etc. Moreover, typing tutor helps to improve typing skill. इसी तरह से आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है टाइपिंग मास्टर, ठीक है, आप उस टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर को यूज करके अपनी जो टाइपिंग स्किल्स हैं उनको आप जो है ना इंक्रीज कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो, ठीक है. यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 की जो है रीडिंग कंप्लीट हो जाती है, सही है. अब आप आए एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का हमने करना है जी, कौन सा पार्ट, 8 पार्ट, सॉरी, ठीक है, 8 पार्ट करना है. लिस्ट एनी 3 प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, तो हमने प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर पढ़े हैं जी, उनके जस्ट आपने नेम राइट करने हैं. ये आपके पास पेज नंबर 30 पे मौजूद है, ठीक है, पेज नंबर 30. पहले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है, उसके बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, नेक्स्ट आपके पास ग्राफिक सॉफ्टवेयर है और उसके बाद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इनके आपने जस्ट नेम राइट करने हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, राइट द स्टेप्स टू डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी इन विंडोज, ठीक है, यानी डिस्क क्लीनअप आप कैसे करते हैं, तो ये आपका जी पेज नंबर 28 पे मौजूद है, ठीक है, यूजिंग डिस्क क्लीनअप. तो ये जितने भी आपके पास 1, 2, 3, 9 स्टेप्स हैं, ये आप लोगों ने सारे राइट करने हैं. क्लिक स्टार्ट बटन से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है. इट डिलीट ऑल द नेसेसरी फाइल्स फ्रॉम द ड्राइव. ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन एनी 2 यूजेस ऑफ फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. तो ये आपके पास पेज नंबर 30 पे मौजूद है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने इसके जो है ना करने हैं यूजेस राइट करने हैं. इसके बाद कोई भी 2 यूजेस देख लें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, ठीक है, और इसी तरह से लिख दें MS Word, वर्ड परफेक्ट एंड नोट पैड. ये यहाँ से आपने सारे इसके जो है ना लिखने हैं यूजेस. नेक्स्ट है आपके पास स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट की भी यहाँ से आप 2 यूजेस जो है ना देख लें. जैसे फॉर एग्जाम्पल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर यूज टू वर्क विद नंबर्स एंड फार्मूलाए, एक यूज ये हो जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो आपका होगा जी, अ यूजर एंटर नंबर इन द ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑन द स्प्रेडशीट एंड कंप्यूटर परफॉर्म द कैलकुलेशन. ये आपका सेकेंड यूज हो. नेक्स्ट है ग्राफिक, तो ग्राफिक आपका पेज नंबर 31 पे है. ग्राफिक सॉफ्टवेयर आर यूज टू ड्रॉ पिक्चर, 3D इमेजेस एंड एनिमेशन.
एमएस पेंट एंड अडोब फोटोशॉप आर सम एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया के भी आपने यहाँ से यूजेस राइट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।